I'm kind of in a panicking mood. पता है इनकी प्राइस बढ़ गई है. I'm so glad to meet you and people want to see me more. No, no. Wait. Open. हैं? Earpods? Everyone, welcome to my sister's birthday vlog. Excuse my swollen eyes. I just woke up. I'm kind of in a panicking mood because I ordered few things for her birthday online, पर वो अभी तक आया नहीं है. And tomorrow is her birthday. I have no plan. No plan at all. Hi everyone. कल आपकी बेटी का birthday कुछ सोचा आपने? हाँ सोचा ना, भगवान को भोग लगाएंगे. भगवान को? मम्मी दीदी को क्या दे रही हो? भगवान को तो भोग दे रही हो. मैं अदरक कूट रही हूँ, अदरक और इलायची, और बेटे के लिए चाय बना रही हूँ. बेटा के लिए, बेटा का तो बहु अभी आया नहीं ना. What about me? बहु मतलब वो खुद नहीं बना सकता अपने लिए चाय. He needs a female person. Yes. In his life to make tea. Wow, mummy. अब बहु भी आएगा. Mummy, I'm judging you right now. No. सुनो सुनो सुनो, बहु भी आएगा तो भी उसके लिए भी हम देंगे. अब क्या करेंगे? बहु के लिए भी आप चाय बनाओगी? हाँ. फिर ठीक है. Good. I came to my room. अभी हम लोग और अच्छे से खुल के बात कर सकते हैं. Gifts are here. अभी और packages भी आ गए. These are like 70% of her gifts. क्योंकि अभी कुछ और gifts आने बचे हैं आजियो से, जो कि I think उसके birthday के बाद आएंगे, which is fine. I still have like 2 gifts planned for her, जो कि मुझे DB Mall जाके खरीदना है. One is Apple's के earphones. उसके जो earphones है ना, ये वाले, वो खराब हो चुके हैं. आप लोग देख सकते हो उसकी हालत काफी ज्यादा खराब है. Okay, so I'm gonna buy this for her. And what else? I'm thinking to go to Swarovski and buy some like beautiful studs for her. Let's see. Gifts kya kya hain? Jab wo kholegi tab aapko samajh mein aayega. But ek to aapko dikh hi raha hai. This is a sweater basically. So excited. I'm not panicking now, which is a good thing. I know that ki agar main kahin aur jaake khareedi to jaldi jaldi main kuch acha khareed nahi pati main. And harbadi mein main kuch usko aisa nahi milna chahti thi ki usko lage ki yaar ye to ekdam last minute shopping ki maine. But no, I've been planning for this for like past 15 days. Main months bol rahi thi, 15 days. So super excited. So, अभी ये सारे गिफ्ट पैक भी होने, तो मैं ना भाई के रूम में ले जाके उसे रख देती हूँ. वी विल पैक इट इन द नाइट व्हेन माय सिस्टर वोंट बी अराउंड. और अभी लियो को नहलाना भी है, बहुत गंदा हो गया है, तो चलो उसको नहला देते हैं. लुक एट आवर बीगी बिल्ली. मेरे सब्सक्राइबर्स को ये पता होगा, जिन्होंने लियो को नहलाने वाला एक ब्लॉग देखा है, दैट लियो को नहाना बिल्कुल पसंद नहीं है. तो उसके साथ हम लोग ये ट्रिक करते हैं कि पहले हम लोग उसको घुमाने ले जाते हैं, फिर आके नहला देते हैं. लियो, शो योर फेस बीगी बिल्ली. लियो कम ऑन, सुंदर हो जाओगी तुम. गुड बॉय लियो, नहा लिया, कितना सुंदर हो गया नहा के, है ना लियो. रुक रुक रुक, अभी नहीं जाना, अभी नहीं जाना लियो. पोछने दो, पोछने दो, वापस आओ, वापस आओ. गाइज, आई एम रेडी. आई एम टेकिंग माई मॉम अलॉन्ग विथ मी. मेरा अकेले जाने का बिल्कुल मन नहीं था, और मेरे लेफ्ट घुटने में पेन भी है. सो मॉम इज गोइंग. सो मैं कुछ भी अपने ट्रेजेडी बताती हूँ. मम्मी पीछे से भक हक द ऐसे करती रहती है. एनीवे, मम्मी इतनी सुंदर लग रही है, बताती हूँ. वाह मम्मी, क्या हूर की परी लग रही हो तुम. वाह वाह वाह. बच्चों को मम्मी पहले बोला करती थी, अभी बच्चे मम्मी को बोला करते हैं. वाह पहुंच गए. पर आज संडे मम्मी, बहुत भीड़ होगी. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चल लोगी ना मम्मी? चलना पड़ेगा बहुत. पहाड़ी चढ़ना. पहाड़ी है. हाँ सुंदर तो लग रहा है डीबी मॉल आज. हम लोग अंदर आ चुके हैं और इंस्पायर जा रही हूँ मैं. वहाँ से लूँगी मैं ईयरफोन्स. मैंने ऑनलाइन प्राइस देखा था, 2000 रुपीज़ का कुछ पड़ेगा. मम्मी पीछे बनी, मम्मी जैसे चल रही है, बनी जैसे चल रही हूँ मैं. ऐसे तनिष्क नहीं जाना है मम्मी, उसके बगल में इंस्पायर जाना है. लेट्स गो. भैया ये वाला एक ले लीजिए आप. दीदी का गिफ्ट ले लिया. हेलो विनीश, स्वरस की. वी आर लुकिंग फॉर सम इयर रिंग्स. बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया मम्मी, मैंने काफ़ी लोग को ये पहने हुए देख लिया. हाँ ये बात भी है मम्मी को यही वाले पसंद आ रहे हैं. पता है इनकी प्राइस बढ़ गए. लास्ट ईयर तक ये कुछ 7000 के पास था, और आज 8000 रुपये प्राइस वो बता रहे हैं. मैंने मम्मी को बोला कि बहुत ब्लॉगर्स को पहने हुए देखा मैंने ये. मम्मी कह रही तो, बट दीदी ने तो नहीं पहना ना, विच मेक्स सेंस.
विच मेक सेंस. थोड़ा सा बड़ी बड़ी प्लेन ना अच्छी लगेगी. ठीक है मैम. मम्मी जो आप बोल रहे हो ना वो जीवन में ना पहनेगी. जीवन में नहीं पहनेगी. इस जन्म में तो नहीं पहनेगी वो मम्मी. ठीक है. शौकीन के लिए इंसान पहन सकता है. आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए? अच्छा मम्मी चलो चलो. अरे मम्मी अच्छी कस्टमर सर्विस दी उन्होंने. मम्मी इज एक्सपेक्टिंग कि मैं हम जाके वहाँ बोलेंगे 10% कर दो और वो कर देंगे. अरे उनके हाथ में नहीं है मम्मी. होता तो कर देते वो. पता है दीदी होती तो बोलती कि ये घर पे बना सकते हैं मम्मी. स्वीट कॉर्न खा लो मम्मी खा लो. स्वीट कॉर्न खाना नहीं मुझे नहीं खाना. मम्मी कितनी क्यूट लग रही है खाते हुए. मम्मी आप कितने पैसे दे रहे थे उसको? 20 रुपये. 70 रुपये का है वो. मिलता था कब मम्मी? 2012 में. बट माय मामा गॉट मी. थैंक यू मम्मी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. 1800 बोल रहे हैं इसका. ये तो तुझे होगा लगा. लेवेंडर दिखाओ ना. येलो आ जाएगा. येलो दे दूंगी. इसमें नहीं है 38. बेटा बहुत लागू चाहिए. मम्मी को ये पसंद आ रहा है. कौन सा फैब्रिक है अंकल? क्या बोला आपने? जॉर्जेट. ये अच्छा नहीं लग रहा. वो मसलिन में है ना. और ये जॉर्जेट में. आपकी मर्जी. मॉम पिक दैट. पर वो येलो का कलर अच्छा था ना. हाँ वो थोड़ा ब्राइट कलर है. पर ये अच्छा लग रहा है मम्मी. इट्स लाइक अ मस्टर्ड येलो कलर. गाइस आई मेट ईशा. आई एम सो ग्लैड टू मीट यू एंड हाय टू ऑल द व्यूअर्स एंड देयर सो मच लव एंड आई होप वी मेक मोर कंटेंट टुगेदर. ओह विल प्लान. विल श्योरली प्लान. थैंक यू ईशा. सो स्वीट. वो टीवी सीरियल में आती है मम्मी. उनका नाम है ईशा सिंह. मैंने उनका सीरियल देखा था इश्क का रंग सफेद बहुत टाइम पहले. तो दैट्स हाउ आई रिकॉग्नाइज्ड हर एंड आई रिमेंबर्ड हर नेम एज वेल क्योंकि वो भोपाल से ही है एक्चुअली. तुझे पहचानते हैं? नहीं मम्मी मुझे नहीं पहचानते हो. पहचान बस शी वॉज वेरी स्वीट एंड काइंड फॉर श्योर. इतना पेट ठीक नहीं लग रहा. आप गोलगप्पा खाना चाहती हो मम्मी? हद यार मम्मी. नो नो. आई बॉट बलून्स. आई बॉट दीज आइटम. मम्मी को मैंने बेकिंग शेक पे छोड़ दिया और मैं जा रही हूँ भोपाल बेकिंग को. आई होप वो खुला होगा. वहाँ का डार्क चॉकलेट लेस स्वीट मुझे ऑर्डर करना है क्योंकि मम्मी चलती बनी मम्मी जैसी आप लोग को पता है. तो अगर मैं उनको लेके चलती ना तो मैं एकदम पीछे हो जाती. आई थिंक इट्स ओपन. मैम कैंडल एंड लाइट में मिला दिए. हाँ ठीक है. ओके थैंक यू. केक इज डन. केक हो गया है. वी आर डन फॉर टुडे. इट्स 10:30 ऑलरेडी. ओके हम लोग घर आ चुके हैं. खाना पीना हो चुका है. मैं सोच रही हूँ कि दीदी को ना एक गिफ्ट दे देती हूँ दी एंड आई विल टेल हर दैट दिस इज द ओनली गिफ्ट दैट आई बॉट फॉर यू एंड टुमारो आई विल गिव हर रेस्ट ऑफ द गिफ्ट्स. देन दिस इज गोना बी लाइक डबल सरप्राइज. व्हाट डू यू गाइस थिंक? सो विच वन टू गिव? आई थिंक ईयरफोन्स दे सकते हैं ताकि शी कैन टॉक टू हर फ्रेंड्स प्रॉपरली एंड क्लियरली. सो 15 मिनट्स लेफ्ट टू हर बर्थडे. येलो दीदी. टाटा. Open your eyes. Open. I needed this AirPods. नहीं दीदी AirPods दीदी. Sorry दीदी वो AirPods नहीं है. वो सिर्फ ear. फोन चलते पॉड्स नहीं है वो. ओके थैंक यू मी. थैंक यू दीदी. द नेक्स्ट डे. सो दिस इज ड्राइंग रूम का वॉल. मैं सोच रही यहीं पे थोड़ा बहुत ऐसे डेकोर कर दूं दीदी के लिए. सो दिस इज बिफोर एंड दिस इज द आफ्टर. आई केप्ट इट वेरी सिंपल दिस टाइम. वो ना एसी वाला कनेक्शन है उसका मैं कुछ नहीं कर सकती. सो लेट इट बी एंड माई सिस्टर हैज ऑलरेडी सीन दिस. ओके गाइज आई एम रेडी फॉर केक कटिंग सेरेमनी. आई एम एट माई ब्रदर्स रूम राइट नाउ टू पैक द गिफ्ट. आई हैव इन टोटल ऑफ 4 गिफ्ट्स विथ मी. दीज आर ऑल क्लोथ्स. गिफ्ट रैपिंग इज डन. पहले मैंने सोचा था कि एक साथ पैक कर दूंगी दो दो का सेट करके. बट गिफ्ट्स ओपन करना किसे पसंद नहीं है. शी इज गोना एंजॉय दिस. एंड द लास्ट थिंग दैट आई नीड टू पैक इज दिस. सो अरस की नाउ लेट्स गो अरेंज दिस. सो दिस इज द फाइनल आउटकम. मैंने वहाँ केक रख दिया है. गिफ्ट्स रख दिए हैं. डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट इज गोइंग ऑन डाउनस्टेयर? तुमने तो डेकोरेशन देख लिया पर
कोई बात नहीं दीदी, बर्थडे केक काटेंगे और क्या। यस दीदी, चलो वेट, मत खोलना मत खोलना। हाँ ओपन। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर मोना। सबसे पहले जाके देखो मम्मी गिफ्ट्स को पकड़ लिया उसने। टडा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर दीदी, हैप्पी बर्थडे टू यू। बड़ा हो जाएगा तुझे? नहीं बड़ा नहीं होगा, हो जाएगा। ओके बर्थडे इज डन। मैंने बलून्स निकाल दिए क्योंकि लियो सोता है ना इस रूम में। एक सेकंड मुझे ना टीवी ऑफ करने दो। फ्रेंड्स देख रही थी मैं, सो दीदी को ना इयररिंग्स पसंद नहीं आए। आई कुड सेंस दैट वो वैसे वाले पहनती नहीं है एंड दैट वाज माय कंसर्न आल्सो। एनीवे वी हैव द ऑप्शन ऑफ एक्सचेंजिंग इट, दैट इज व्हाट वी आर गोना डू। 4 to 6 मोर डेज लेटर, दिस इज अनदर डे। मुझे बहुत ही ज्यादा सर्दी हो रखी है, अभी रात का समय। मैं और दीदी जा रहे हैं दीदी के बर्थडे डिनर के लिए। खूबसूरत लग रही है, मैं दिखाती हूँ कि नशीब आके थोड़ी देर में जो लोकेशन में हम लोग पहुंच जाएंगे ना वहाँ पे। हमारे दो फ्रेंड्स वहाँ पे वेट कर रहे हैं। सो वी आर 4 पीपल। मम्मी को भी ले जाना चाहते थे पर मम्मी अभी भुवनेश्वर के लिए निकल चुकी है तो वो हमें ज्वाइन नहीं कर सकती, तो अभी वो भुवनेश्वर में। आई एम गोना सी यू गाइस व्हेन वी विल रीच द वेन्यू। हम लोग बहुत ज्यादा लेट है गाइस। हम पहुंच गए ताज। हम ताज पहुंच गए। दिस इज बर्थडे गर्ल निधि। हम तुम्हारी नशीली आके सो प्रिटी, सुंदर, सुंदरता की देवी लग रही हो। दे से हेलो। हेलो, शादी वाला कैमरा मैन नहीं हूँ मैं। लोग ने बुफे सिस्टम, बुफे सिस्टम क्यों बोल रही हूँ, बुफे लिया है, 4-plate बुफे एंड ईच प्लेट इज गोना कॉस्ट अस 1650 प्लस टैक्सेस ना। और मैंने आधे पैसे भी नहीं वसूले, मैंने लिटरली थोड़ा थोड़ा खाया और मोस्टली मैंने बिरयानी खाई। दैट्स इट। पापा सिद्धांत ने बहुत अच्छे से वसूले हैवी बुफे, स्टार्टर से लेके मेन कोर्स से लेके फिर डेजर्ट पे। बोलो क्या पसंद आया तुम्हें? मुझे पसंद आया पिज्जा आया, पंजाब सूप आया, मेरे को बहुत सारी चीजें पसंद आई एक्सेट्रा। थैंक यू सिद्धार्थ। कहना चाहते हो? मैं बस ब्लॉग में आके बहुत खुश हूं। सो ऑल माय लव टू पीपल हु वांट टू सी मी मोर। नो नो, आई हैव रेड योर कमेंट्स एंड यू वांट टू सी मोर ऑफ मी, सो हियर इज मोर ऑफ मी। भाई साहब मैं तो थक गई। ओके गाइस, आई एम गोना एंड द व्लॉग हियर। से हैप्पी बर्थडे टू बर्थडे गर्ल हु इज ड्रिंकिंग नथिंग फ्रॉम द वाटर बिकॉज़ कुछ भी नहीं है बॉटल में। आई रियली होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस व्लॉग। अगर आप चाहते हो मैं ऐसे व्लॉग्स और बनाऊँ देन यू नो वॉट टू डू। प्लीज मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। आई एम गोना सी यू गाइस प्रीटी सून विद ब्रांड न्यू कॉन्टेंट एंड व्लॉग ऑन माई चैनल। बाय।